મિશન 2024 ને લઈ ભાજપે એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે। ગઈકાલે પણ મોટી બેઠક યોજાઈ હતી અને દિલ્હીમાં પદાધિકારીઓની આજે પણ બેઠક યોજાઈ જેમાં ચૂંટણીને લઈને મંથન થયું છે। નવા મતદારોને પાર્ટી સાથે જોડવા ભાજપ કરશે સંમેલન। યુવા દિવસે નવા મતદારોના સંમેલનને પ્રધાનમંત્રી મોદી સંબોધિત પણ કરી શકે છે। અન્ય તમામ મતદારોને જોડવા વિધાનસભાના સ્તરે યોજાશે સંમેલન। મહિલા ગરીબ યુવા ખેડૂતો પર વધુ ફોકસ કરશે ભાજપ। એવો વિજય મેળવવો છે કે વિપક્ષ 100 વખત વિચારે આ વાત અમિત શાહે કહી છે। તો મિશન 2024 ને લઈ અને ભાજપનો એક્શન પ્લાન તૈયાર છે। ગઈકાલે પણ મોટી બેઠક મળી હતી, આજે પણ બેઠકમાં ચૂંટણીને લઈ અને એક્શન પ્લાન તૈયાર થયો। આ વિશે વધુ વાતચીત માટે સંવાદદાતા નીરજ પાંડે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। નીરજ, કે આ ઝ્યાદા જાણકારી? દેખી, અભી જો બેઠક સમાપ્ત હોઈ હે, લેકિન ફિર સે સંગઠન મંત્રીઓ કી બેઠક શરૂ હો ગઈ હે। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जो 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और ये खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बैठक को संबोधित किया। अमित शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए सबको कहा कि मैं खुद बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूँ और बूथ लेवल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो बूथ को सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और बूथ से ही हम चुनाव जीत पाएंगे। तो उन्होंने एक संदेश दिया, और यही नहीं, उन्होंने बैठक के दौरान ये भी कहा कि इस बार की जीत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि विपक्ष को खड़ा होने में 100 बार सोचना पड़े। तो ये आज तरह से कह सकते हैं पदाधिकारियों का उन्होंने एक बूस्ट किया है, मनोबल बढ़ाया है, और ये कहा है कि चुनाव में हम लोगों को 100% जीतना ही है। इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी कही कि राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, उससे पहले घर घर संपर्क शुरू किया जाए ताकि लोगों में राम मंदिर को लेकर एक उत्साह की स्थिति रहे और लोगों को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा रहा आज वो पूरा हो रहा है। तो ये कुछ बातें उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक में कही। इसके अलावा कई प्रेजेंटेशन दिए गए इस बैठक में, जैसे सोशल मीडिया का प्रेजेंटेशन रहा, नमो ऐप का प्रेजेंटेशन रहा। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि अपनी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचानी है। जी जी, शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए।